मणिपुर में तीन महिलाओं को बिना कपड़े के नग्न हालात में कांगपो कपी की गलियों में घुमाया गया, जिससे पूरा देश हिल गया और इस पर सुप्रीम कोर्ट अब और भी ज्यादा सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों पर हुए एक्शन की डिटेल मांगी है और कहा है कि अब और वक्त नहीं मिलेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए रिटायर्ड महिला जजों की एक समिति के गठन की बात कही है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मणिपुर की दो कुकी जोमी महिलाओं की याचिका पर सुनवाई की। ये दोनों महिलाएं एक भीड़ की हैवानियत का शिकार होते हुए वीडियो में देखी गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद देश में हंगामा मच गया था। इसी मुद्दे पर विपक्ष संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहा है। दोनों पीड़ित महिलाओं ने घटना की जांच की मांग एसआईटी यानी कि विशेष जांच दल से कराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, हम एक महिला जजों और विशेषज्ञों की एक समिति बना सकते हैं। अगर अब तक उठाए गए कदमों से हम संतुष्ट नहीं हैं, तो हम देखेंगे कि इसमें किस हद तक हस्तक्षेप कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 31 जुलाई को कोई फैसला नहीं दिया। इसके बजाय कोर्ट ने मणिपुर में घटना से जुड़ी तमाम 6000 एफआईआर की जानकारी मांगी है। अदालत ने कहा, हमें 6000 एफआईआर को अलग अलग करके परखने की जरूरत है कि कितनी जीरो एफआईआर हुई है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने आरोपी ज्यूडिशियल हिरासत में हैं, कितने बयान दर्ज किए गए हैं और कानूनी सहायता कैसे दी जा रही है। पीठ ने कहा, हम कल राज्य से जवाब ले सकते हैं और इस पर कल विचार कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सारे डिटेल देने के लिए ज्यादा वक्त देने की मांग की, लेकिन अदालत ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम और समय नहीं दे सकते, देर हुई तो सभी सबूत गायब हो जाएंगे। इम्फाल में कार को धो देने की घटना को ही ले लें, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा। पीठ ने पूछा कि कौन बयान देगा कि वहाँ क्या हुआ। इस पर सॉलिसिटर ने कहा, इतने कम समय में इतने कागजात जुटाना संभव नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर का रिकॉर्ड तो ऑनलाइन रखा जाता है। हैवानियत का शिकार हुई तीन में से एक महिला का गैंग रेप कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बाकी दोनों महिलाओं ने अपनी सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपील की है कि वो स्थानीय मजिस्ट्रेट को उनका बयान देने का आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि आखिरकार हम एसआईटी यानी कि विशेष जांच समिति की मांग को स्वीकार करते हैं, तो आप अपनी तरफ से कुछ नाम सुझाएं और याचिकाकर्ताओं की तरफ से दिए नामों पर भी राय दें। हमें इन सब का बैकग्राउंड देखना होगा, हमें बताएं कि क्या नाम अच्छे हैं। पीठ ने कहा कि अब 1 अगस्त की दोपहर 2 बजे मामले की अगली सुनवाई होगी। मालूम हो कि सोमवार की सुनवाई में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ काफी सख्त दिखे। उन्होंने सख्त रवैये में कहा, सभी फैक्ट्स मीडिया में हैं। अजीब बात है कि मणिपुर सरकार के पास तथ्य ही नहीं है, लेकिन अगर तथ्य थोड़े भी सच हैं, हम मिली भगत की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर पुलिस ने महिलाओं को भीड़ को सौंप दिया था तो ये मामला ये निर्भया जैसा नहीं है। वो भी भयानक था, लेकिन यहाँ एक अलग स्थिति है। यहाँ जाति हिंसा प्रभावित इलाके में ऐसी कई घटनाओं का एक पैटर्न है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।